नहीं, ये कांवड़ यात्रियों को पानी लेने से रोकने का जब आदेश पारित नेशनल पार्क के ऑफिसरों ने किया तो इन सारे कार्यकर्ताओं ने मुझे फोन किया, राम यादव ने किया, अभिषेक घोसालकर ने फोन किया, और मैं इन सारे लोगों का धन्यवाद विशेष इसलिए भी करना चाहूंगा कि 3 घंटे से वो मेरा इंतजार करके यहाँ पर रुके हैं, कोई रुकते नहीं है। और योगा आयोग आज हमारे केंद्र के 2 ऑफिसरों को मैंने यहाँ पर बुलाया था पूरे नेशनल पार्क के विकास के काम के बारे में, तो 2 ऑफिसर भी आज आए थे, मेरा भी यहाँ आना तय हुआ था, महामंडलेश्वर भी आ गए। ये भगवान ने सारे लोगों को एक साथ में किया, और ये मैं मानता हूँ कि हमको ये चेतावनी उन्होंने दी है कि ये जो कार्यकर्ता इतना प्रयास करके ये सब काम करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ध्यान थोड़ा कम है, तो आने वाले दिनों में और उसको ज़्यादा देने की आवश्यकता है। कोर्ट ने जो 2 साल के पहले ऑर्डर दिया था, यहाँ पर जो RTI एक्टिविस्ट लोग कोर्ट में गए थे और वाइल्ड लाइफ जो जंगलों में जो जानवर वगैरह है उनको परेशानी होती है करके, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई गणपति बप्पा का कोई विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ पर इस नदी में ना हो। अब मैं कोर्ट के आदेश के बारे में यहाँ पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं कोर्ट में निश्चित जाऊँगा और उनके संज्ञान में जो सही बात है वो लाके देने का प्रयास करूँगा, और मुझे लगता है कि उसमें हमको सफलता मिलेगी, लेकिन वो दूसरा भाग है। लेकिन आज कांवड़ यात्रियों को पानी लेने के बारे में गणपति बापा के बारे में जो आदेश दिया था वो यहाँ पर लागू नहीं होता है, ये हमने सिद्ध करके दिया, और फिर अधिकारियों ने और पुलिस लोगों ने मिलकर हमको इजाजत दी है कि पानी लेकर शांति से आप लोग आगे का यात्रा। देखिए, इस श्रावण मास के इस आखिरी सोमवार के दिन हम सभी कांवड़ यात्री बोरीवली के नेशनल पार्क में यहाँ पर उपस्थित है, और आप सभी जानते हैं कि आज यहाँ पर ग्रहण लगने वाला ही था, और जब अचानक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग अधिकारी बोले कि आपको यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है, तो यहाँ के लोग सभी शिव भक्त नाराज हो गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सांसद गोपाल शेट्टी जी और यहाँ के स्थानीय विधायक प्रकाश सूर्य जी को कि जिन्होंने यहाँ पर अथक प्रयासों से आज यहाँ कांवड़ यात्रियों के बीच में आकर सभी को यहाँ पर परमिशन दिलाया, और आज आप देख रहे हैं कि सब हंसी खुशी यहाँ से जल लेकर मंडपेश्वर गुफा की ओर निकलेंगे। कितने लोग इसमें शामिल हैं? तकरीबन वार्ड क्रमांक 1 से 300 से लेकर 350 लोग यहाँ पर उपस्थित है, और साथ ही में उनके पूरे परिवार के साथ, यानी तकरीबन 500 से 700 लोग आज यहाँ पर कांवड़ यात्रा लेकर आए हैं। मैं फिर से एक बार सभी कांवड़ यात्री को और इस आखिरी सावन सोमवार के दिन सभी शिव भक्तों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान शिव इनकी सारी मनोकामना पूरी करे, और जिस किसी ने भी इस यात्रा को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, जैसे सांसद गोपाल शेट्टी जी और हमारे विधायक प्रकाश सूर्य जी और तमाम उनके साथ बहुत सारे लोग ने इसका परमिशन दिलाने में मदद की, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार फिर से मैं यहाँ पर जयकारा लगाना चाहता हूँ कि हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हमारे वार्ड नंबर 1 से 300 तक कांवड़ यात्री यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि बहुत रोड़ा रास्ते में आया, लेकिन भगवान शंकर ने सब अपना दया दिखाया और बाकी लोगों को यहाँ अंदर आए, जल भर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।